Hi everyone, welcome to Cook Easy with Sakshi. आज मैं आपको सिखाऊंगी कढ़ी विद अ ट्विस्ट, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये मैंने 1 लीटर दूध की दही जमाई है, जिसको खट्टा करने के लिए ओवरनाइट मैंने बाहर रख दिया था। और अब इस दही को एक पतीले में डालेंगे और आप इसको लम्प फ्री कर लेंगे और आप इसमें 1 लीटर पानी मिला देंगे और आप इसमें 7 छोटे चम्मच बेसन मिलाएंगे और आप इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप इसके अंदर डालेंगे हल्दी और साथ ही साथ थोड़ा सा नमक। अब डालेंगे सबसे पहले रिफाइंड ऑयल, ऐड करेंगे प्याज, प्याज भुनने तक पकाएंगे। अब डालेंगे इसमें मेथी दाना और 30 सेकेंड्स के लिए चलाएंगे इसके साथ। अब डालेंगे ड्राइड रेड चिलीज और इसको भी इसके साथ अच्छे से 30 सेकेंड्स के लिए फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे रेड चिली, साथ ही साथ इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और अब इसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था उसको छलने से छानते हुए इसके अंदर डालेंगे और अब इसको लगातार हम चलाते जाएंगे जब तक इसमें एक बॉईल नहीं आ जाता। एक बॉईल आ गया है कढ़ी में और अब इसको सिम पे भी पकाएंगे हम 20 से 25 मिनट तक। आधा घंटा सिम गैस पे पकाने के बाद देखिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और अब इसमें डाल देंगे बूंदी। 1.5 कटोरी बूंदी मैंने इसके अंदर डाली है, अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब सिम गैस पे दोबारा से इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। कढ़ी पक के तैयार है और बूंदी भी अच्छे से सोख हो गई है, देखिए इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब इसका तड़का बना लेते हैं। तड़के पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, गरम होने देते हैं और अब इसमें ऊपर से क्रश करके कस्तूरी मेथी डाल देंगे। घी गरम हो गया है और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च और अब इस तड़के को हम डालेंगे कढ़ी पे। तो फाइनली कढ़ी बनके तैयार है। आप इसको सर्व करें चावल या चपाती के साथ। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ मेरी और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल कुक इजी विद साक्षी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। अपने कमेंट्स, फीडबैक, सजेशन और स्पेशल रिक्वेस्ट भी हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन हैप्पी कुकिंग।